हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल चलित वाहनों पर रोक लगाने संबंधी नीति में ट्रैक्टर को शामिल ना किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। पिछली बार भी हमने एनजीटी से ट्रैक्टर को इस दायरे से बाहर रखवाया था। यूक्रेन में फंसे हरियाणवी लोगों को वापसी से जुड़े सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि हमने मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, फरीदाबाद में हेल्प डेस्क बनाए हैं। सभी उपयुक्तों को व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे विद्यार्थियों के परिवारों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद के मंडलायुक्त संजय जून को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 1784 युवाओं की सूची विदेश मंत्रालय से मिली थी, जिसमें से 83 हमारे प्रदेश से नहीं है। कुल 701 हरियाणा के युवाओं में से 683 को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में लगभग 150 विद्यार्थी शेष हैं, उन्हें बॉर्डर पर आने के लिए कहा गया है। इन सभी को सुकुशल वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।